हेलो गाइस, तो हम आज न्यू ईयर पे आपको पहली बात तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है तो हम इसे स्टार्ट करेंगे। अब हम अपने पीछे नाजीपुर गांव में आए हुए हैं तो आपको दिखाएंगे कि कैसा है। तो चलिए हम लेके चलते हैं आपको, ठीक है? तो अब देख सकते हैं आप, हम बैक कैमरा कर रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पर खेती में जो लगे हुए हैं किसान। ये किसान है और भाई इधर उधर घूम रहे हैं। यहाँ हम चढ़ चुके हैं, हम इसके फोटो खींचने वाले हैं। ये हमारा भतीजा है जो ये कह रहा है कि फोटो खींच दो, हम फोटो खींचने वाले हैं। मैं अपने फोन से इसके फोटो खींच रहा हूँ। आगे को आ, इधर आ, और बढ़ा के यहाँ पे रख दूंगा फोन। और फोन रखने के बाद हम इसका फोटो, अब फोटो शूट कर रहे हैं, फोटो शूट अब ले रहे हैं भाई। हम आपको यहाँ का एरिया दिखाएंगे थोड़ी देर में। अभी मैं इसके एक आधा फोटो खींच रहा हूँ। इधर का बैकग्राउंड बहुत अच्छा आ रहा था जहाँ हम अभी खड़े थे, पेड़ भी बहुत अच्छे लग रहे थे। तो चिंटू जी, आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है बताएंगे कुछ? बहुत बढ़िया फील हो रहा है। बहुत बढ़िया फील हो रहा है ना यार, थोड़ा सा हमारी तरफ भी होता है ऐसा तो अच्छा लगता। और भी कोई नहीं, थोड़ा भाई हमें अपने घर से 8 से 10 किलोमीटर दूर आना पड़ा है। अगर आपको थोड़ी हमारी मेहनत को देख रहे होगे तो आप हमें प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। और ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है तो ऐसे ही ब्लॉग डेली आते रहेंगे। अभी कुछ मज़ेदार ब्लॉग्स भी आएंगे और भी अच्छे। भाई आज नया साल है तो हम नए साल के महोत्सव पे हम आए थे घूमने अपने भतीजे के साथ। इसका भी चिंटू रॉय ब्लॉग्स के नाम से चैनल है, हमारा तुषार गिल ब्लॉग के नाम से चैनल है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो अब इसका हम दिखाते हैं, अभी आगे चल के हम थोड़ी सी दूर और आपको पहले इधर की चलो एक नदी दिखाते हैं। यहाँ पे एक नदी है, इसके पुल के नीचे से जा रही है तो वो दिखाते हैं। चलिए तो भाई चिंटू चलते हैं हम आगे। बढ़ो इधर की साइड, मोड़ो साइकिल, साइकिल मोड़ो, आप साइकिल मोड़ो। भाई हम आ चुके हैं, देखो नदी के पास। ये नदी है नीचे जो जा रही, इधर चलना, इधर को मोड़। हाँ अब ये देख सकते हैं, बहुत लंबी नदी है, इसके नाम काली नदी है। मुजफ्फरनगर में सबसे लंबी नदी जो कि बहुत दूर तक के जा रही है। और अब हम पुल से एंड हो रहे हैं, पुल से नीचे उतर रहे हैं। गेर मत दिए बहुत तेजी से चला रहा। तो अब हम जो ये मस्जिद है हम इसकी ओर जा रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा पुल है, ये छोटा पुल था जो नदी को पार कराने में हेल्प करता है भाई। तो ये जो नदी जा रही है आपको दिख रही होगी, तो ये पूरी दूर तक नदी है। और ये जो छोटे वाला पुल है हम उससे उतर के अब बड़े पुल से अब उतरने वाले हैं। तो देख सकते हैं सामने से कार वगैरह आ रही है, ये हाईवे की साइड जाता है तो हम ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। हम थोड़ी दूर जाएंगे फिर वापसी हो जाएंगे इधर से मुड़कर। अब जो हमारे साथ चिंटू है, ये हमारा भतीजा, ये कह रहा है कि हमें इस रास्ते पर जाना है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस रास्ते पर पता नहीं कौन से रास्ते पर ले जा रहा है, मुझे भी नहीं पता। तो आज देख सकते हैं गड्ढे पड्ढे बहुत हैं, कहीं ये मुझे गेयर गाड़ ना दे। तो भाई आप थोड़ा ध्यान रखना, अगर मुझे कहीं से गेयर घेर दिया तो मैं इसे पोस्ट करूँगा ना, तो आप बता देना मेरे घर वालों को कि वहाँ पड़ा है, ठीक है ना? अच्छा
भाई इधर का अच्छा माहौल सा लग रहा है मुझे थोड़ा देखने में। तो आपको अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो भाई प्लीज़ लाइक समय कमेंट सपोर्ट ज़रूर करना और इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग देख सकते हैं, ये हमारा भाई ठीक तो है क्योंकि साइकिल चला चला कर अब पक्का हो चुका है। मैंने ऐसा साइकिल सिखाई थी, इसका सिर फूट गया था एक बार बचपन में। कोई यार बता तो दे मुझे कहीं तू खो तो नहीं देना का, मैं मम्मी पापा का अपने खेल रही हूँ बता तो देने। हाँ भाई तुम तीन भाई हो, एक कौन सी जगह आए हो? चरथावल रोड पे हैं भाई हम इस टाइम पे। तो ये ऐसा ही है, मेरा भतीजा कहीं भी ले जा सकता है, इसका मुझे भरोसा है। अब यहाँ से हम पता नहीं कहाँ जाएंगे। आप देख सकते हैं इधर हरियाली भी है, इधर सरसों बुई हुई है, सरसों है यहाँ पे भाई, ये मंदिर है यहाँ पे, पता नहीं क्या भंडारा हो रहा दिख है शायद। हाँ तो यहाँ पर भीड़ लगी हुई है देख सकते हैं आप, आज नए साल के महोत्सव पे यहाँ पे कितनी भीड़ लगी है, मेला लग रहा है। और भाई यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ जगह जगह पर खिलौने वाले बैठे हैं, यहाँ पर छोटे छोटे दुकान सी लगाए हुए, बस इतना ही था ये। और बाकी तो यहाँ पर जंगल सा ही दिख रहा है। और आगे जाकर देखते हैं यहाँ दूर दूर, अब ये पुल पे ले जा रहा है मुझे, देखो जो मैंने दिखाया था बहुत लंबा पुल लग रहा है देखने में। तो इधर से ले जाते हुए भाई ये पुल बहुत कैड़ा है, देखो दूर दूर तक के कितना अच्छा दिख रहा है। भाई इधर देख सकते हैं हम दूसरे पुल पर आ चुके हैं, पहला पुल पार हो चुका है, अब दूसरा पुल भी हम इधर देख सकते हैं कि ये दूसरे पुल पे नदी है, ये नदी थोड़ी सूख रही है, ये वही नदी है जो हमने आपको वहाँ पे दिखाई थी, ये इधर से जा रही है, बहुत लंबी नदी है, इसका नाम काली नदी है जो कि देख सकते हैं आप नीचे दिख रही है आपको पुल। वो आप हमारे पीछे कितना तगड़ा जाम लग चुका है और हम निकल के आ चुके हैं इन जाम से। तो इधर हम शामली अड्डे से निकल रहे हैं, अब ये शामली अड्डा है मुजफ्फरनगर में, यहाँ बस स्टैंड है शामली अड्डे का, तो यहाँ से जाती है। और देख सकते हैं यहाँ पे, और ये हमारे मुजफ्फरनगर में सब ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं यार, मुजफ्फरनगर में बहुत तगड़े तगड़े केस हैं। कोई बात नहीं, पर ये साइकिल पे इसलिए घूमता है कि तेल, ताकि तेल का खर्चा बचे। ये BMW है इसकी, कहता है बुलेट है, कभी BMW कभी कुछ, तो ये इस पर ही घूमता है। देखो कैसे उठ उठ के साइकिल चला रहा है।